बार तीसरी जंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ विशाल सक्सेना। जब हम अभिनय की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो अलीगढ़ की एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच में मौजूद है, भूपेंद्र सिंह जी, उनका नाम जरूर आता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मों में सर युवाओं का बड़ा उलझा हुआ मामला लगता है, वो कहते हैं मुंबई जाकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन आज अलीगढ़ में भी आप अच्छी फिल्में बना रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं मुंबई का सफर और अलीगढ़ में आपने काम जो किया? मैं यहाँ से इंटरव्यू को विस्तार पूर्वक उठा रहा हूँ जी। सबसे पहले तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया है, और आपका जो चैनल है तीसरी जंग की, तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ नववर्ष की आपकी सारी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो विशाल जी, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि मोस्टली जो फिल्में हैं वो ज़्यादातर काम जो है वो मुंबई में ही होता है जी। तो लोगों की जो एक चाह होती है वो ये होती है कि हम भी मुंबई जाएं और हम भी अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी जैसा अभिनय करके हम भी फेमस हुए जी। और होना भी चाहिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जाना चाहिए, मुंबई में जाके स्ट्रगल करना चाहिए। और लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि हम अपने आप को ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है जी। चार लोगों ने हमारी तारीफ कर दी जी, तो हम अपने आप को शाहरुख खान समझने लग जाते हैं, है ना, अक्षय कुमार समझने लग जाते हैं, सलमान खान समझने लग जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम मुंबई के लायक हैं। पहले आप लायक बनिए, तब मुंबई जाइए, तो मुंबई आपका स्वागत करेगी, और आप जो पाने के लिए मुंबई गए हैं वो आपका सपना पूरा होगा। तो मोस्टली हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं और हम डायरेक्टली हम मुंबई चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हर जगह पर आप देखिए भोजपुरी की इंडस्ट्री कितनी डेवलप हुई है जी। आज हर स्टेट में आप देखिए, सब जगह पर अपनी अपनी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है जी, है ना। वहीं क्या है कि यूपी के लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, लोगों को मौका भी दे रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, हमने भी शुरुआत की, पहले लोकल फिल्मों से शुरुआत की जी। और लोकल फिल्मों का जब दौर एक ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर हमने भी बॉलीवुड की तरफ रुख किया जी। मुंबई में स्ट्रगल किया जी, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी जी। फिर वापस हमने मुंबई में वर्क न करके हमने अपने क्षेत्र में वर्क किया जी। क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय जो प्रतिभाएं हैं जो वहां जाकर के स्ट्रगल कर रही हैं, उनका स्ट्रगल ख़त्म हो जी, है ना। तो होता क्या है कि जब बंदा यहाँ से सीख करके जाएगा तो वहाँ उसे फिर उतना स्ट्रगल नहीं करना। बिल्कुल, मैं एक सवाल ले लेता हूँ, और ये कलाकारों का ही सवाल होता है, जब भी हम बीच में जाते हैं कलाकारों से मिलते हैं तो सवाल तो उठते हैं सर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ही होगी या ऑन कैमरा आप जैसे फिल्में कर रहे हैं यहाँ भी तो सीखा जा सकता है, आपके साथ रह करके सीखा जा सकता है, अलीगढ़ के हैं, आसपास के हैं, तो उन कलाकारों को तो कहीं ना कहीं राहत ही मिलेगी जी। जी जी हाँ, वही चीज़ है। देखिए, होता क्या है कि जो बेसिक नॉलेज है जी वो तो आपको, देखिए मैं ये नहीं कहता कि इंस्टीट्यूशन या कोई भी चीज़ गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट के नाम पर लोग ठगी करते हैं जी, या वो करते हैं, वो एक अलग जगह ठगी यार कहाँ नहीं है जी, सब अपना बिजनेस करने में जी, सब कर रहे हैं जी, है ना। आज आप देखिए एजुकेशन में भी आप देखिए, तमाम लोग अपने कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं जी, कोई कैसे भी कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं, हर जगह पर ठगी नहीं है जी। आप जहाँ अच्छे सिखाने वाले हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग के बाद भले ही, देखिए प्लेटफॉर्म कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, भले ही आप एक यूट्यूब से शुरुआत कीजिए। मैं आऊँगा सर, वहाँ आऊँगा मैं, है ना। बिल्कुल, मैं एक सवाल लूँगा जी। आज बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, हमारे दर्शक जानते हैं और लगातार देखते हैं कि यूट्यूब से फेमस हुए हैं सर जी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तमाम जो भी साइट चलती हैं या फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं जी, और उन्होंने मुंबई तक का रुख किया, और आज अच्छे लेखक भी आ रहे हैं, अच्छे राइटर्स सब आ रहे हैं, अच्छे एक्टर भी आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, मतलब बड़े पर्दे पर जाने की चाह, क्या आज सोशल मीडिया ने दीवार खड़ी कर दी ऐसा लगता है? नहीं जी, देखिए मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जी। हाँ, ये है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब जो भी नए जो प्लेटफॉर्म जो हो रहे हैं, जहाँ पर कि उसने क्या किया है कि जो एक कलाकार आपके अंदर जो दबके रह जाता था, कहीं ना कहीं उसको उजागर किया जी। लोग अपनी जो फीलिंग्स है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी।
इसका ये कहना गलत होगा कि जो मुंबई का या जो भी अपना जो भी प्रोफेशनल जो वर्क कर रहे हैं कि उनका एक अलग दायरा है, अलग दायरा है, इनका अलग दायरा है, तो वहाँ का जो स्ट्रगल है वो अलग है, यहाँ पर क्या, यहाँ आपको स्ट्रगल नहीं करना जी, यहाँ तो जो भी आप कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है और वही वही अगर पब्लिक को अच्छा लग रहा है तो वही चीज आपकी वायरल हो रही है जी, जी, जी। और आप फेमस हो रहे हैं जी, तो यहाँ स्ट्रगल नहीं है जी, लेकिन वहां पर स्ट्रगल है, क्योंकि वहां क्या है, वहां सलमान है, शाहरुख है जी, वहां अक्षय है जी, है ना, तो ये जितने भी हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है। सर मैं आप ही के सवालों में से एक प्रश्न लेता हूँ, आपने जो उत्तर दिया जी, जी। सलमान खान, शाहरुख, हम इन लोगों को देखते हैं, लेकिन आज ऐसे कई कैरेक्टर हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी हम अभिनय को देख करके सराहते हैं, जरूरी नहीं है हर आदमी सलमान खान बन नहीं जाए, बहुत सारे किरदार हैं उनके बारे में भी तो एक नजरिया होगा, कैसे देखते हैं? नहीं बिल्कुल, सपोर्टिंग रोल भी होते हैं जी जी, साइड एक्टर भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा वही कहने का मतलब है कि फिल्म जो बनती है जी खाली अकेले हीरो पर नहीं चलती जी, ना ही हीरोइन पर चलती है जी, फिल्म जो चलती है वो इनसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं उनका ज्यादा होता है जी, क्योंकि जब सपोर्टिंग आर्टिस्ट अच्छा काम करेगा तभी एक एक्टर दिखेगा, एक एक्ट्रेस दिखेगी जी, तो ओवरऑल जो मूवी होती है एक एक करेक्टर, चाहे भले ही उसका कुछ सेकंड्स का ही काम क्यों ना हो, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि एक हीरो या हीरोइन का इम्पोर्टेंस है। क्या लगता है सर अलीगढ़ में अगला प्रोजेक्ट अभी आपका कौन सा शुरू हो रहा है, सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था आपका, तो युवा भी जानना चाहेंगे, और आप अलीगढ़ में जा पर्चे की मोहताज नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी मूवी रिलीज हुई थी 2017 में जी जी, रेसलर बुल जी, तो लोगों ने देखी है, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए लोगों का बहुत प्यार मिला जी, और मीडिया वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया जी, और विशाल जी मुझे याद है कि आप भी उस समय पर पहुंचे थे जब हमारा शूट चल रहा था मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, मुझे अच्छे से याद है, तो आप लोगों ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हमारी मूवी को, और मूवी इतनी हाईलाइट हुई 2017 में ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों का भी सपोर्ट रहा, आप लोगों का भी प्यार रहा, और मूवी सफल रही जी, और कोने कोने तक पहुंची जी, एक क्षेत्रीय लोगों को लेकर के, है ना, जिसमें कि नो स्टार कास्ट जी, है ना, सभी नए थे, न्यू टैलेंट, सारे नए लोगों को मौका दिया गया था, और उसके बावजूद भी फिल्म जो है दर्शकों तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, और लोगों ने प्यार दिया, खूब प्यार मिला जी, और क्या चाहिए आगे क्या प्रोजेक्ट है। कई बार ये देखा जाता है, कुछ ऐसे सवाल भी लूंगा जिससे आपको जानकारी मिले, जिससे आप ये समझ सकें कि बॉलीवुड और एक्टिंग की जो दुनिया है वो जितनी चमक धमक से भरी है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, मुंबई की हमने बात की, अलीगढ़ शहर हो, नोएडा हो, जो हमारे यहाँ सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें फिल्में बनने लगी हैं, लेकिन सर कई बार प्रोजेक्ट शुरू होते हैं खत्म हो जाते हैं, आधा बनाया छोड़ दिया, काम कर रहे हैं, कास्टिंग हो गई, शूटिंग भी हो गई और सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लोगों का कुछ दिखता नहीं है, युवा बड़े हताश होते हैं, कलाकार बड़े हताश होते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं इस बात पर आऊँगा जो आपका जो सवाल है कि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, देखिए जो भी जितने भी छोटी जगहों से निर्माता निकलते हैं जी, तो आप जानते हैं कि फिल्मों में एक बड़ा पैसा लगता है जी, मोस्टली होता क्या है कि एक व्यक्ति है, एक कोशिश करता है कुछ प्रोजेक्ट बनाने की जी, उसमें कुछ लोगों के सहयोग से वो फिल्म बनती है जी, उसमें फिर आपसी कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि कभी के जब चार लोग कोई काम को करते हैं तो चार लोगों में फिर चार तरह की बातें होती है। मुंबई में ऐसा नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जी, उनके पास ना तो फंडिंग की कमी है, ना ही किसी चीज़ की कमी है जी, उनके पास इक्विपमेंट से एक से एक हर चीज़, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो वहाँ के प्रोजेक्ट बनते हैं और वो आते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ लोग, यहाँ हम लोग एक कहते हैं एक देसी भाषा में कि जुगाड़ करना ना जी, तो आदमी ये चाहता है कि भाई कैसे भी करके मेरा प्रोजेक्ट बने जी, तो वहाँ फिर वही है कि बेचारों के पास ना तो बजट होता है, कभी कभी पता चला कि आप ऐसी फूट भी हो गई जी, तो पता चला कि मेरी बात नहीं हो रही है पूरी, मेरी नहीं हो रही है, तो वहाँ लोग ऐसे वैसे, तो ऐसे करके प्रोजेक्ट यहाँ पर रुक जाते हैं, है ना, तो होता ये नतीजा ये होता है कि उसमें सभी का लॉस होता है जी।
निर्माता का भी पैसा ब्लॉक हो गया जी। जो एक निर्माता निकल के आने वाला है वो भी भाई उसने कुछ तो लगाया जी, अब उसका पैसा तो वेस्ट ही होगा ना जी। अगर वही प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होकर के जब मार्केट में आएगा, भले ही मैं ये कह रहा हूँ कि भले ही उससे कुछ अर्निंग ना हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट बन के आया मार्केट में कि हाँ भाई फलान निर्माता ने ये फिल्म बनाई, तो लोगों तक एक मैसेज जाता है। मार्केट में फिल्म होती है, मार्केट में निर्माता का नाम जाता है, साथ ही कलाकारों का नाम जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा ही पूरी टीम का लॉस होता है, कलाकारों का भी लॉस होता है, क्योंकि कलाकार कलाकार क्या चाहता है, कलाकार तो अपने आप को टीवी स्क्रीन पर देखना चाहता है, सिनेमा स्क्रीन पर देखना चाहता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं तो उसका तो कैरियर खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट सभी का कैरियर खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो भी है जैसे भी करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें जी, और कंप्लीट करके उसको सिनेमा तक लेकर या टीवी तक लेकर के आए जी। दर्शकों, अलीगढ़ की जैसे कि मैंने कहा पहचान है, अलीगढ़ में एक नाम है और आज भी काम कर रहे हैं सर, कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं आपने बताया जी, कुछ नया काम चल रहा है या आगे चलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशाल जी, अभी दो फिल्में जी, एक है मुंबई टू आगरा जी, जिसका कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम सेंसर वगैरह सब कुछ हो चुका है, और आज ही शाम को 5 बजे गाने MX प्लेयर हंगामा जी, और आपका और भी 30 OTT प्लेटफॉर्म, हाँ उन पर अपने गाने मुंबई टू आगरा के रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद एक फिल्म और है जन्म जन्म का बंधन जी, तो वो भी फिल्म जो है अपनी एडिटिंग वगैरह का काम उसका भी लगभग कंप्लीट सही है जी, तो वो भी होली के आसपास वो भी रिलीज हो जाएगी, और फरवरी में ये अपनी मुंबई टू आगरा रिलीज हो रही है जी। तो ये दो प्रोजेक्ट तो अपने रिलीजिंग वाले प्रोजेक्ट हैं। अभी नेक्स्ट एक फिल्म है अपनी मिशन ओवर जी, मिशन ओवर हाँ जी, उस पर जो है हमारा काम चल रहा है, उसका मुहूर्त वगैरह हो चुका है जी, एक दिन का शूट भी हम लोग कर चुके हैं जी। तो मिशन ओवर की जो शूटिंग है वो हम लोग फरवरी में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि तब मौसम भी अच्छा हो जाएगा जी। तो फरवरी में हमारा ये प्रोजेक्ट है मिशन ओवर, मिशन जिसको कि हम रिसेंटली करने जा रहे हैं। किस तरीके से युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहला कदम कहाँ से उठाएं? देखिए मैं उनके लिए सिर्फ मेरा यही मैसेज है कि आप अपने आप को पहले तो, अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, पहले एक्टर बनिए। ये कोई ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीखिए, खुद ही आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है तो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप एजुकेशन लीजिए, और उसके बाद जो इस लाइन में आने का तरीका है उसी तरीके से आप आइए। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आकर के आप जो है स्ट्रगल करने चले जाओ, स्ट्रगल से कोई फायदा नहीं है जी। आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइए, तो बस यही है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एक्टर बनिए, और उसके बाद में आपकी मुंबई क्या, भाई हम भी तो बैठे हैं ना जी, हमें भी तो कलाकार चाहिए जी। तो आप आइए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, आपको मौका देंगे। सर एक सवाल थोड़ा राजनीतिक है या आपकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है, योगी जी ने एक पहल की है जानते हैं आप जी, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से काम हो जी, कैसे देखते हैं, क्या भविष्य लग रहा है आपको, यहाँ से कुछ फिल्में निर्माण होंगी जो पूरे शिखर पर दिखाई देंगी कभी? नहीं देखिए बिल्कुल, जैसे कि अभी जो बात हो रही है जी, ये जो फिल्म बंधु का जो है ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना, लेकिन अभी अभी जो एक घोषणा योगी जी ने की है वो बहुत ही अच्छा उनका कदम है, कि उन्होंने जो फिल्म सिटी की जो घोषणा की है ना, तो ये जो फिल्म सिटी अगर यहाँ बनती है तो निश्चित ही यह इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। और ये मान के चलिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग भी देखो काम कर रहे हैं, तो हम भी मुंबई से आर्टिस्टों को यहाँ बुला रहे हैं जी, यहाँ काम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यहाँ के लोग भी अब काम इधर होने लगा है यूपी में। देखिए लखनऊ में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, आगरा में होती है, मथुरा में होती है, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया लोकेशन हमारे पास है, एक से एक अच्छे कलाकार हमारे पास है। और मुंबई में आप देखिए जितने भी टॉप मोस्ट कलाकार हैं वो सब यूपी से ही हैं जी,
आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो बच्चन साहब तो सुपर स्टार मिलेनियम स्टार जाने क्या क्या खिताबियां उनको, सहस्त्राब्दी अभिनेता, तो वो कहाँ के हैं? वो भी तो यूपी के, अपने इलाहाबाद के हैं। तो यूपी जो है, यूपी तो सबसे आगे है और अब यूपी में ही इंडस्ट्री बनने जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या धमाल होने वाला है। तो ये एक अच्छा है, बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं हैं, नया अवसर मिलेगा लोगों को और उत्तर प्रदेश में कुछ नया होगा और आप लगातार युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे अपनी फिल्मों के माध्यम से, दर्शकों का दिल मोहते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तीसरी जंग चैनल।